नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। सफीपुर उन्नाव बाबा जय गुरुदेव संगत के तत्वावधान में नशा मुक्ति शाखा हर सदाचार जन जागरण यात्रा। युवाओं में नशे की लत खराब है, नशा नाश की जड़ है। बाबा जय गुरुदेव संगत के तत्वावधान में नशा मुक्ति शाखा हर सदाचार जन जागरण यात्रा के तहत नशा मुक्ति और गोरक्षा को 1/11/2021 को सुबह 11 बजे परम पूज्य श्री पंकज जी महाराज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा अपने वाणी से अपने शिष्यों को संबोधित करेंगे। सफीपुर में माँ गेस्ट हाउस के सामने मैदान में सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्नाव जिला के समस्त जय गुरुदेव शिष्य शामिल होंगे। परम पूज्य श्री पंकज जी महाराज का मुख्य उद्देश्य लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाना है और सभी मनुष्य अपनी संस्कृति और नए समाज निर्माण के लिए लोगों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सुंदर समाज के निर्माण के लिए आवाज उठाई थी, अंडा मांस शराब आदि के सेवन से बचने की अपील की। उस समय बाबा की बातों को बौद्धिक वर्ग ने महत्व नहीं दिया, इसके कारण आज समाज की यह भयानक स्थिति दिखाई दे रही है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि बाबा जय गुरुदेव महाराज जैसे महापुरुष मिले। उन्होंने कहा कि आत्मा की बैठक दोनों आंखों के मध्य भाग में है। आंखों के नीचे को भौतिकवाद और ऊपर आध्यात्मवाद शुरू होता है। भौतिकवाद का आशय है जिसका नाश हो जाता है और आत्मवाद का आशय है जिसका कभी नाश ना हो। लाइव टीवी समाचार के लिए उन्नाव से मिराजुद्दीन की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।